या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता ओम सरस्वती नमस्तस्से नमो नमः। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। इसी संदर्भ में मैं ज़्यादा औपचारिकताएँ नहीं करते हुए अपने सीधी मुख्य बात पर आता हूँ। अपन बातचीत करते हैं किसके संदर्भ में? शिक्षक के संदर्भ में। जैसे ही बात आती है शिक्षक भर्ती की, तो सभी विद्यार्थी समस्त राजस्थान के सामने जो समस्या है वह है, जिसको लेकर कई प्रकार की विभ्रांतियाँ विद्यार्थियों में फैली हुई है। उन समस्त विभ्रांतियों को हम हल करेंगे। वह किससे संबंधित है? मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों को लेकर। अब देखिएगा, जब बात आती है मनोविज्ञान के बारे में तो सबसे पहले आप लोगों का ध्यान जाता है कि मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम, जिसके तहत तीनों पार्ट आ जाएंगे, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, तो इसका पाठ्यक्रम क्या है लगभग लगभग सबको पता है। लेकिन मैं आप लोगों को, अब देखिएगा, आप लोगों को मनोविज्ञान संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब तैयार करने के लिए आपको मेरा वीडियो, लगभग तीन वीडियो आप सुनेंगे तो मैं आपकी समस्त समस्याओं का समाधान उन तीन वीडियो में कर दूंगा। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक वाइज, प्रति इकाई के अनुसार अपन व्यापक रूप से वैधतापूर्ण विश्वसनीय शिक्षण कार्य विश्लेषणात्मक तरीके से करेंगे। अब जब बात होती है आपके मनोविज्ञान के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात कर लेता हूँ कि मनोविज्ञान को लेकर आपके ये चार प्रकार की समस्याएं हैं जिनका अपन समाधान करेंगे। पहली आपकी समस्या जो होती है, अधिकांश विद्यार्थियों का एक विचार होता है कि सर मनोविज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, उनकी भाषा समझ में नहीं आती। और ये भी बिल्कुल सही है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप पास कीजिएगा उसके प्रश्नों का आंसर देने से पहले आपको उसका प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आपकी समस्या क्या होती है? पारिभाषिक शब्दावली। देखिए, अगर मनोविज्ञान संबंधी पारिभाषिक शब्दावली, अगर आप, मैंने यहाँ पर लिखा है पारिभाषिक शब्दावली न कि परिभाषाएं, आप इनको परिभाषाएं ना समझें। अब पारिभाषिक शब्दावली संबंधी अगर जानकारी आपको है तो आपके अधिकांश लगभग पांच प्रश्न तो सामान्यतः सही हो जाएंगे। फिर सेकंड समस्या आपकी आती है कि सर परिभाषाएं याद नहीं होती है, मनोवैज्ञानिकों के नाम याद नहीं होते हैं, तो ये परिभाषाएं। सेकंड आपकी जो समस्या होती है वह यह है कि सर सारे सिद्धांत एक जैसे ही लगते हैं, जिसके तहत थांडई की क्या विचारधारा है, पावलोव की क्या विचारधारा है, स्किनर की क्या विचारधारा है, कर्ट लेविन की क्या विचारधारा है, इससे संबंधित बातचीत। और फिर सेकंड बात एक चीज आपकी होती है कि सर हम जो पढ़कर जाते हैं वह एग्जाम में आता नहीं, और जो एग्जाम में आता है वो हम पढ़कर जाते नहीं, ये सारी समस्या यहाँ पर समाधान होगा, ठीक है। और थर्ड आपकी जो बातचीत होती है वह यह है कि समस्त प्रश्नों के उत्तर स
सारे विकल्प सही लगते हैं। ये चार समस्याएं मनोविज्ञान को लेकर आपके सामने हैं। पहला कौन सा? पारिभाषिक शब्दावली, परिभाषाएं, सिद्धांत और समरस प्रश्नों के आंसर एक जैसे लगते हैं। जब पाठ्यक्रम की बात होगी तो मैं व्यापक रूप से आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक आपके हैं और उनको अपन समझ लेंगे। अभी केवल तीन वीडियो के अंदर अपन ये बातचीत करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। आप निश्चित मानिएगा कि अगर आप इन तीन वीडियो को अच्छे से सुनते हैं तो आपकी मनोविज्ञान के प्रति अवधारणा बदल जाएगी, ये मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे किसके बारे में? पारिभाषिक शब्दावली के बारे में। अब देखिए कि पारिभाषिक शब्दावली का मतलब क्या, तो इसमें किस तरह की आपके बातचीत आती है। अब देखो दिक्कत कहाँ पैदा, जैसे अपने प्रश्न आपके सामने एक यह बनता है, यह शब्द लिखा है आपके पास, प्रश्न उसने आपको यह दिया है कि अवधान की स्थिति में अधिगम प्रक्रिया, और ऑप्शन में उसमें आपको डाल दिया अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है और एक विकल्प उसने यह लिख रखा है बाधित होती है। एक तो क्या प्रभावी होती है और एक विकल्प क्या बाधित होती है, ठीक है। इन दोनों में से आपका आंसर निकालना है। अब ज्यादातर स्टूडेंट के सामने अभी दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि अवधान की स्थिति में अधिगम बाधित होता है, जबकि सही आंसर क्या आता है कि अवधान की स्थिति में अधिगम प्रभावी होता है। तब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, तो देखिएगा अवधान से अभिप्राय होता है ध्यान। अब जैसे ये बात आ जाती है आपका आंसर स्वतः ही सही हो जाएगा, या अपन क्या कहेंगे एकाग्रता। क्या कहेंगे? एकाग्रता। इसकी परिभाषा क्या बनती है अवधान की, तो क्या कहेंगे वह मानसिक स्थिति जिस समय कोई भी विषय वस्तु मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से विचरण करती है उसे क्या कहेंगे अवधान। कोई भी विषय वस्तु पड़ी और वो आपके दिमाग के सामने स्पष्ट रूप से विचरण करे तो वह आपकी स्थिति क्या होती है अवधान की, जिसे अपनी सब भाषा में अपन क्या बोलते हैं ध्यान, या क्या कहते हैं एकाग्रता। अब आपका आंसर क्लियर हो जाता है कि अवधान अगर है तो अधिगम प्रभावी होगा, या एक शब्द में आप क्या कह सकते हो वह स्थिति जिसके तहत अधिगम पर बाह्य बाधाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे क्या कहेंगे अवधान। जब आप कहते हो कि सर आंसर अगर ये आना होता, क्या आंसर आना होता कि अधिगम प्रभावी नहीं होता है, तो वहां अवधान शब्द का प्रयोग नहीं, कौन से शब्द का प्रयोग होता है व्यवधान। कौन से शब्द का प्रयोग होगा व्यवधान। अब आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अवधान और व्यवधान अलग है, अवधान का मतलब है ध्यान और व्यवधान का मतलब है बाधा, ठीक है। इसी तरह से और देखिएगा आप कई शब्द आपके सामने आते हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जैसे सबसे सामान्य सा प्रश्न, ये तीन शब्द आपके सामने आ जाते हैं। एक तो कौन सा अभिरुचि, कौन सा शब्द अभिरुचि, एक शब्द आपके सामने आता है क्या अभिवृत्ति, और एक शब्द आपके पास होता है अभिक्षमता। क्या होता है अभिक्षमता। अब देखो प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है वह प्रक्रिया जिसके तहत व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या विषय वस्तु के प्रति उत्तर देने के लिए तत्पर रहता है तो इसे क्या कहेंगे अभिरुचि अभिवृत्ति अभिक्षमता या अवधान। तो अब देखो यहां आपको इस शब्द पर ध्यान देना है, क्या तत्परता। किस शब्द पर ध्यान देना है आपको तत्परता। तो किसी भी व्यक्ति या विषय वस्तु के प्रति
उत्तर देने के लिए तत्पर रहने की जो मानसिक स्थिति है उसे क्या कहते हैं? अभिवृत्ति। क्या कहते हैं? अभिवृत्ति। अब अभिवृत्ति की जब बात आती है तो मैं दो बातें आपकी यहाँ पर एक साथ क्लियर कर देता हूँ। अभिवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक तो सकारात्मक अभिवृत्ति और एक नकारात्मक अभिवृत्ति। किसी भी कार्य के प्रति आप दो तरह से अपने विचार बना सकते हो, एक तो पॉजिटिव बना सकते हो और एक नेगेटिव बना सकते हो। डिपेंड करता है, निर्भर करता है वातावरण पर, आसपास के परिप्रेक्ष्य पर, ठीक है। और विचार निर्माण की प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया, इसका मतलब अभिवृत्ति में मानसिकता प्रभावित करती है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि अभिवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है तो क्या बताओगे? वातावरण में परिवर्तन करके, ठीक है। अभिवृत्ति कितने प्रकार की? दो प्रकार की। दो कौन कौन सी? सकारात्मक अभिवृत्ति और नकारात्मक अभिवृत्ति, ठीक है। अब वापस अगर अपना प्रश्न बनता है, क्या कौशल का संबंध होता है? प्रश्न क्या दिया उसने? कौशल का संबंध होता है अभिरुचि से, अभिवृत्ति से, अभिक्षमता से या अवधान से, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? अभिक्षमता से। क्या आएगा? अभिक्षमता। अब आपको क्या याद रखना है? अभिक्षमता से अभिप्राय उस योग्यता से है, या क्या कहेंगे कि अभिक्षमता व्यक्ति में निहित वह कौशल है जिसके कारण व्यक्ति को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देने के बाद वह किसी एक क्षेत्र में अपनी योग्यताएं, क्या लिखोगे? अपनी योग्यता क्षमता को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। योग्यता क्षमता कौशल किसमें आ जाएगी? अभिक्षमता में। अब प्रश्न उसने यह कहा कि किसी विषय वस्तु की प्राप्ति से संतुष्टि एवं अप्राप्ति से असंतुष्टि उस व्यक्ति में उस विषय वस्तु के प्रति किस क्षमता का, किस योग्यता का सूचक है। तो अब देखो, कोई चीज जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो अगर प्राप्त हो गई तो हमें संतुष्टि मिले, और वह प्राप्त नहीं हो तो बेचैनी हो। तो वह चीज होती है अपनी रुचि का क्षेत्र। किसका क्षेत्र होगा? रुचि का क्षेत्र। तो ये किससे संबंधित है? अभिरुचि से संबंधित, ठीक है। फिर वापस देखिएगा, अपन जब बात होती है किसके बारे में, अपन अभी केवल पारिभाषिक शब्दावली पर मैं आप लोगों से विचार विमर्श कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, एक शब्द आता है आपके पास, क्या? वंशक्रम। आप इन शब्दों को समझिएगा, आपका पाठ्यक्रम स्वतः ही आसान हो जाएगा। वंशक्रम, तो कि वंशक्रम से क्या अभिप्राय? तो वंशक्रम के लिए आप जिस शब्द का उपयोग करते हो, आनुवांशिकी, ठीक है, आपके विज्ञान में आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग होता है, वही चीज एक तरह से किससे संबंधित है? वंशक्रम से। तो अब क्या कहेंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का अगली पीढ़ियों में जाना, क्या कहलाएगा? वंशक्रम। अब देखो, फिर वापस शब्द आ जाता है कौन सा आपका? वातावरण। जैसे जैसे आप इन शब्दों को समझते जाओगे, आपकी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होता चला जाएगा, आपके प्रश्नों के आंसर स्वतः ही आने लग जाएंगे। अब बात क्या आती है? वातावरण। तो अब आप लोगों से जब पूछा जाता है कि वातावरण क्या होता है, तो आप क्या कहते हैं कि वह समस्त चारों तरफ के घटक जो हमें प्रभावित करते हैं, या वह घटक जो हमें चारों तरफ से प्रभावित करते हैं वो क्या होगा? वातावरण। परंतु ऐसा नहीं है। जो घटक हमें चारों तरफ से प्रभावित करते हैं वह क्या होता है? पर्यावरण। क्या होगा वह? पर्यावरण। परि प्लस आवरण, चारों तरफ, ठीक है। तो कि सर फिर वातावरण क्या है? तो आंसर क्या आएगा? वे समस्त घटक जो गर्भाधान काल से लेकर मृत्यु तक हमें प्रभावित करते हैं उसे क्या कहेंगे हम? वातावरण। क्या कहेंगे उसे? वातावरण। फिर देखिएगा, सीधा सा शब्द आपके पास आता है, कौन सा शब्द आएगा? अधिगम। अब अधिगम की जब बात करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि अधिगम क्या है, तो आपका आंसर क्या आता है? सीखना। क्या आंसर आएगा? सीखना। ऑप्शन में ए में वो यही लिखेगा कि अधिगम क्या है? सीखना। ये हो गया आपका अधिगम, सीखना। फिर एक और होता है,
व्यवहार में परिवर्तन, क्या हो जाता है? व्यवहार में परिवर्तन। आजकल एक और कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है कि सर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, और डी ऑप्शन उसने आपको दे दिया कोई नहीं। देखिए अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? अधिगम के बारे में। अधिगम क्या है? सीखना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या कोई नहीं। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर क्या चला जाता है? सीखना। कुछ एक व्यक्ति आजकल बता रहे हैं कि व्यवहार में परिवर्तन, सॉरी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, और एक होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो हम क्या कहेंगे? हमने जो कुछ भी सीखा है, सीखने के बाद व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उसे क्या कहेंगे? अधिगम। वुडवर्थ की सामान्य परिभाषा, परिपक्वता के बाद व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, जिसके फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया संभव होती है। परिपक्वता के बाद व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, जिसके फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आपका आंसर यहां पर क्या बनेगा? व्यवहार में परिवर्तन। अब देखो बात कि सर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्यों नहीं होगा? उसका कारण है अधिगम कभी स्थायी नहीं होता है। आज आपको कुछ सिखा दिया, और अगर बाय द वे आपने इसका रिवीजन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वापस भूल जाओगे, क्योंकि दो शब्द होते हैं ना आपके पास, एक तो स्मृति और एक विस्मरण। तो धारण की गई विषय वस्तु का जितना ज्यादा अभ्यास किया जाता है वो स्मृति में रहती है, और धारण की गई विषय वस्तु और उसके अभ्यास में समय अंतराल जितना बढ़ता है विषय वस्तु क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसका मतलब अधिगम में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी परिवर्तन की अपन स्थायी बात नहीं करेंगे। आपका आंसर अधिगम के लिए क्या आ जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन। अब देखिए वापस बातचीत आती है आपकी, और कई शब्द हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक शब्द सीधा सा आ जाता है क्या, जो आपको परेशान करता रहता है। ये देखो, इससे अपन पैदा हुए तब से जान रहे हैं क्या आदत, और बार बार अपन कहते हैं कह रहे यार ये क्या है, आदत है। अब इसमें भ्रम कहाँ है, विरोधाभास कहाँ पैदा हो रहा है? वो क्या कि आदत वंशानुगत होती है या अर्जित होती है? तो कई व्यक्ति कहते हैं कि वंशानुगत भी होती है और अर्जित भी होती है। कई लोग उदाहरण दे देते हैं कि बच्चा अंगूठा चूसता है, ठीक है ना, तो ये उसकी वंशानुगत आदत हो गई। तो कोई भी आदत वंशानुगत नहीं होती, समस्त आदतें क्या होती है? अर्जित होती है। ये आपके सारे प्रश्नों का आंसर निकाल देगा ये शब्द। अब बात आती है कि आदत है क्या? एक शब्द सुनो, किसी भी कार्य बार बार एक ही तरह से किया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? आदत। किसी भी कार्य को बार बार एक ही तरह से किए जाने पर प्राप्त परिणाम को क्या कहेंगे? आदत कहेंगे। और समस्त आदतें क्या होती है? अर्जित होती है। और सबसे खतरनाक प्रश्न आपके सामने ये आया कि आदतों का संबंध वंशानुगत घटकों से होता है या नहीं होता है? आदत का संबंध वंशानुगत घटक मूल प्रवृत्तियों से होता है या नहीं होता है? अब दिक्कत कहाँ पैदा हुई, तो बच्चे क्या लगा कर आ गए कि नहीं होता है। क्यों लगा कर आए? क्योंकि उनको तो गुरुजी ने बताया, क्या बताया कि आदतें अर्जित होती है, परंतु उसने ये नहीं कहा कि वंशानुगत होती है, उसने कहा कि संबंध होता है या नहीं होता है। और संबंध दोनों प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तब देखो आदत, वो जो मैंने पहला उदाहरण दिया था कि बच्चा अंगूठा चूसता है, तो बच्चे के अंगूठा चूसने की आदत होती है,
भूख के कारण। जब बच्चे को भूख लगती है और माँ उसकी भूख को शांत नहीं करती है तो चूसने जैसी प्रक्रिया बच्चा उठा चूसना प्रारंभ कर देता है और भूख मूल प्रवृत्ति है। इसका मतलब आदत निर्माण में वंशानुगत घटकों का, मूल प्रवृत्तियों का योगदान होता है। ठीक है, एक और ऐसा शानदार इसका प्रश्न आता है, वह क्या कि बुरी आदतों को आसानी से छुड़ाया जा सकता है। इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत हैं? तो अब ऐसी स्थिति में भी अधिकांश विद्यार्थी आंसर यही देकर आते हैं कि असहमत है, जबकि सही आंसर क्या आता है, सहमत है। अब आप कहोगे सर क्यों? तो एक शब्द याद रखिएगा, क्या याद रखोगे, किसी भी एक अच्छी आदत का निर्माण किया जाए तो बुरी आदत स्वतः ही छूट जाती है। क्या याद रखोगे, किसी भी एक अच्छी आदत का निर्माण किया जाए तो बुरी आदत स्वतः ही छूट जाती है। इसका मतलब बुरी आदत को छुड़ाने के लिए केवल अच्छी आदत का निर्माण करना होता है और अन्यथा कुछ भी नहीं करना। अभी केवल अपन बातचीत करते हैं कि इनका अर्थ क्या है, ठीक है, इनको कैसे समझा जाए। मनोविज्ञान जिस विषय के प्रति आपका भय है, विभ्रांति है, उसे दूर कैसे किया जाए, उन पर अपन बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, फिर वापस अपन आगे बात करते हैं किसके बारे में, नया टॉपिक जो आपके बनता है जिसमें से कई पारिभाषिक शब्दावलियां आपके पास सामने आती हैं। देखिएगा, इस तरह के शब्द एग्जाम में आपको हमेशा मिलते हैं। क्या लिखा है, प्रतिस्थापन। इन शब्दों को आप समझ जाओगे, मनोविज्ञान संबंधी समस्याओं का आपके समाधान हो जाएगा। प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन, उदात्तीकरण, दिवा स्वप्न, तार्किकरण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति, पृथककरण, आप ये समझिएगा कि इन शब्दों को मैं समझा रहा हूं, इसका मतलब है अगले 5 मिनट आपके एक प्रश्न लेकर आएंगे और निश्चित रूप से लाएंगे, क्योंकि इन शब्दों में से एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है। ठीक है, अब जब इन शब्दों की बात आती है तो सीधा हमारा ध्यान चला जाना चाहिए तनाव, चिंता, जो कि आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक होता है, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। कौन सा टॉपिक होगा, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। अब आपसे प्रश्न वह क्या पूछता है कि एक बालक जो कि बार बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है एवं वह पढ़ाई बंद करके अपने पिता के व्यवसाय को संभाल लेता है, उस बालक ने तनाव से मुक्ति हेतु किस युक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, ऑप्शन में उसने आपको दे दिया विस्थापन, पृथककरण, प्रतिस्थापन और एक क्या दे दिया उसने, प्रक्षेपण। क्या क्या ऑप्शन दे दिया उसने आपको, पृथककरण, विस्थापन, प्रतिस्थापन और क्या दे दिया, प्रक्षेपण। आपको ध्यान क्या देना है, उसने ये कहा कि बालक पढ़ाई छोड़कर
और अपने पिता के व्यवसाय को संभाल लेता है, भावार्थ यह निकलता है कि एक कार्य के स्थान पर दूसरे कार्य को अपना लेना। एक शब्द आप याद रखेंगे, आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। एक लक्ष्य के स्थान पर दूसरा लक्ष्य अपना लेना, एक लक्ष्य के स्थान पर दूसरा लक्ष्य अपना लेना क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन। या अपन यूं कहें कि शादी हुई, शादी होने के बाद दोनों में नहीं बनी तो दोनों ने तलाक दे दिया और तलाक देकर किसी दूसरे से शादी कर ली, ठीक है, तो क्या कर रहा है वो? प्रतिस्थापन। तो कि सर तलाक देना क्या, छोड़कर दूसरे से शादी कर लेना क्या कहलाया? प्रतिस्थापन। लेकिन केवल तलाक दे देना क्या कहलाएगा? पृथक्करण। क्या कहलाएगा? पृथक्करण। क्या याद रखोगे? तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से दूर हट जाना। क्या कहेंगे? तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से दूर हट जाना, ठीक है, क्या कहलाएगा? पृथक्करण। अब उसने आपसे प्रश्न क्या दिया कि एक बालक जो कि कुत्ते से डरता है और जिस गले में उसे कुत्ता नजर आता है वह उस गले में जाना बंद कर देता है, जाना बंद कर देता है, बच्चा क्या कर रहा है? पृथक्करण। एक विकलांग बालक जिसे कक्षा के विद्यार्थी विकलांग कहकर चिढ़ाते हैं और वह बालक इस कारण तनाव महसूस करता है और विद्यालय जाना बंद कर देता है, तो बच्चे ने क्या किया? पृथक्करण। एक विकलांग बालक जिसे कक्षा के विद्यार्थी विकलांग कहकर चिढ़ाते हैं तो वह अपनी कक्षा चेंज कर लेता है, परिवर्तित कर देता है, दूसरी कक्षा में चला जाता है और दूसरा सेक्शन चेंज करवा लेता है, तो क्या किया उसने? प्रतिस्थापन। क्या किया उसने? प्रतिस्थापन, ठीक है। अब शब्द आपके पास आता है क्या? विस्थापन। विस्थापन से अभिप्राय होता है अपना गुस्सा किसी और पर उतारना। क्या होगा? अपना गुस्सा किसी और इसका प्रसिद्ध प्रश्न आप लोगों के सामने हमेशा हुआ करता है, वह क्या? एक अध्यापक जिसे प्रधानाध्यापक डांटता है और वह कक्षा में जाकर विद्यार्थियों को पीटता है। अध्यापक को डांटा और उसने जाकर बच्चों को पीटा, अध्यापक क्या कर रहा है? विस्थापन। आपको एक शब्द याद रखना है, अपना गुस्सा किसी और पर उतारना आपके एग्जाम में प्रसिद्ध प्रश्न बना। एक बालक जो कि गृह कार्य नहीं करता है, इस कारण अध्यापिका उसे डांटती है, घर पर आकर वह बालक अपनी उत्तर पुस्तिका फाड़ना प्रारंभ कर देता है, बालक क्या कर रहा है? विस्थापन। क्या कर रहा है बालक? विस्थापन। एक शब्द प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है, सुप्रसिद्ध प्रश्न इसका होता है, क्या विद्यार्थी का प्रश्न पत्र बिगड़ जाने पर वह कहता है सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था? विद्यार्थी का प्रश्न पत्र बिगड़ जाने पर वह कहता है सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था। यह प्रश्न आपको क्या देगा? एक अध्यापक के परिणाम बिगड़ जाने पर वह कहता है विद्यार्थी अनुशासित नहीं है, तो अध्यापक क्या कर रहा है? अपना दोष किसके ऊपर डाल रहा है? विद्यार्थियों पर। अपना दोष किसी और पर डालना क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण। अपने को एक शब्द याद रखना है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाचने के लक्षण अपने में नहीं है और अपन क्या करते हैं कि आंगन सही नहीं है अन्यथा मैं बहुत अच्छा नाच लेता, बच्चा क्या कर रहा है? प्रक्षेपण। एक शब्द में याद रखोगे, क्या याद रखोगे? अपना दोष किसी और पर डालना। अब देखो उसने शानदार वाला प्रश्न ये दिया, एक अध्यापक विद्यालय देरी से पहुंचता है, प्रबंधक की डांट से बचने हेतु विद्यालय देरी से आने का कारण बताता है रास्ते में स्कूटर का पंचर हो जाना। अब देखो यहां पर कार्य संपन्न हो रहा है पर देरी से संपन्न हो रहा है और वो डांट से बचने के लिए स्कूटर का पंचर हो जाने का दोषारोपण कर रहा है या बहाना बना रहा है? तो आप तुरंत बोलोगे बहाना बना रहा है, बस आंसर क्लियर, बहाना बनाना। क्या कहलाएगा? औचित्य स्थापन। क्या याद रखोगे? बहाना बनाना क्या कहलाएगा? औचित्य स्थापन। आप देखो एक प्रश्न बहुत बहुत बढ़िया अच्छा प्रश्न आपके सामने आया, दो तरह के प्रश्न यहां पर बने। एक प्रश्न तो आपके सामने क्या बना, एक 6 वर्षीय बालक जिसके घर में छोटे बच्चे का जन्म हो जाता है, घर वाले
उस छोटे बच्चे पर ध्यान देते हैं, बड़े बच्चे पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा तनाव महसूस करेगा। और बड़ा बच्चा जो 6 वर्ष का है वो छोटे बच्चे जैसी गतिविधि करेगा, क्या करेगा, बार बार रुकने लग जाएगा, घुटनों के बल चलेगा, ये समस्त गतिविधियाँ। बड़ा बच्चा क्या कर रहा है, छोटे बच्चे जैसी गतिविधि कर रहा है। आपको क्या याद रखना है, पूर्व की परिस्थिति में लौटना। क्या याद रखना है, पूर्व की परिस्थिति में लौटना क्या कहलाएगा, प्रतिगमन। या क्या याद रखोगे, अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा छोटे बच्चे जैसा कार्य करना क्या होगा, प्रतिगमन। इसका सबसे बढ़िया जो प्रश्न आपका बना वह यह, एक 30 वर्षीय व्यक्ति जिससे प्रबंधन इकाई में कोई कार्य बिगड़ जाने पर प्रबंधक की डांट से बचने हेतु वह रोना प्रारंभ कर देता है। अब देखो बात क्या, 30 वर्ष का व्यक्ति रो रहा है, और रोने का काम 30 वर्ष के व्यक्ति का है या छोटे बच्चों का है, तो क्या कहेंगे अपन, क्योंकि अपन भी अपने घर पर कभी अगर बड़े हैं और रोने लग जाते हैं तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि क्या छोटे बच्चों के, क्या बोलते हैं, क्या छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाता है। मतलब रोने का काम किसका है, बड़ों का नहीं है, छोटे बच्चे का है। अब 30 वर्ष का व्यक्ति अगर रो रहा है, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, प्रतिगमन कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिगमन। एक और इसका बढ़िया शानदार वाला प्रश्न बना, वह क्या बना, एक बालिका जिसकी शादी हो जाती है, वह ससुराल से पियर आती है और अपनी मां की गोद में सिर रखकर सोती है। बालिका तनाव से मुक्ति का कौन सा तरीका अपना रही है, क्या बताओगे, प्रतिगमन। क्योंकि मां की सिर में मां की गोद में सिर रखकर सोने का कार्य बड़े व्यक्ति का नहीं, किसका होता है, छोटे बच्चों का। ठीक है, तो बालिका क्या कर रही है, प्रतिगमन। ठीक है, अगला शब्द आपके पास क्या आता है, क्षतिपूर्ति। कौन सा शब्द आता है, क्षतिपूर्ति। नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूरा कर लेना, किसको पूरा कर लेना, क्षति। अपने शरीर में जन्मजात या किसी वातावरणीय परिस्थिति के कारण कोई कमी आ गई है, उसे किसी बाह्य प्रक्रम द्वारा स्थायी या अस्थायी रूप से पूरा कर लेना क्या कहलाएगा, क्षतिपूर्ति। क्या कहलाएगा, क्षतिपूर्ति। इसमें बढ़िया प्रश्न आपके सामने बनकर आया, क्या बना, एक कम कद की बालिका ऊंचे हील के चप्पल पहनकर बाजार जाती ताकि लंबी दिख सके, क्या कर रही बालिका, क्षतिपूर्ति। एक टाटला व्यक्ति टाट ढकने के लिए वीक लगा लेता है, क्या कर रहा है, क्षतिपूर्ति। क्या कर रहा है, क्षतिपूर्ति। अब देखो बात, जब जैसे बात आती है किसकी, तनाव की, और अपन तनाव से मुक्ति की विधियां प्रकरण पढ़ रहे हैं, युक्तियां पढ़ रहे हैं, तो इसकी विधियां दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक तो प्रत्यक्ष विधि होती है, कौन सी होती है, प्रत्यक्ष, और एक कौन सी हो रही है, अप्रत्यक्ष विधि। एक तो कौन सी विधि होती है, प्रत्यक्ष, और एक कौन सी होती है, अप्रत्यक्ष। तो क्या याद रखना है, अगर किसी भी प्रकार की युक्ति, युक्ति का मतलब होता है उपाय, ये सब युक्तियां हैं, किसी भी प्रकार की युक्ति से अगर स्थायी समाधान हो रहा है तो कौन सी होगी, प्रत्यक्ष, और तात्कालिक परिस्थितियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन सी होगी, अप्रत्यक्ष। तात्कालिक परिस्थितियों से छुटकारा प्राप्त करना अप्रत्यक्ष, और स्थायी समाधान करना कौन सा, प्रत्यक्ष। आपके दो क्वेश्चनों का आंसर क्लियर। आप देखो, कम कद की बालिका, टाटला व्यक्ति, ये सब क्या स्थायी समाधान हो रहा है या अस्थायी हो रहा है, तो क्या बताएंगे, अस्थायी समाधान हो रहा है। क्या हो रहा है, अस्थायी समाधान हो रहा है। इसका मतलब उदाहरण मैंने किसका दिया, अप्रत्यक्ष का। अब शानदार उदाहरण आपके सामने आता है, एक विकलांग बालिका जो कि समाज की गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती है, इस कारण समाज के व्यक्ति उसे सम्मान नहीं देते एवं वो तनाव महसूस करती है, वह बालिका प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करके उच्च पद प्राप्त कर लेती है। वो विकलांग बालिका पढ़ाई करती है और उच्च पद प्राप्त कर लेती है। अब बताइएगा, स्थायी समाधान होगा या अस्थायी होगा, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, स्थायी हो रहा है। बालिका उपाय तो यही कर रही है, कौन सा, क्षतिपूर्ति। शरीर के अंगों में कमी थी तो उसने वो सम्मान नहीं मिलता था, तो उसको पूरा किससे कर लिया, उच्च पद प्राप्त करके। समाधान हो रहा है, क्षतिपूर्ति कर रही है, लेकिन कौन सा समाधान होगा, प्रत्यक्ष विधि। कौन सा समाधान हुआ, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, एक क्या होता है,
उदात्तीकरण। इसके संदर्भ में आपको दो शब्द पढ़ने पड़ते हैं, एक तो होता है उदात्तीकरण और एक क्या होता है दमन। एक तो क्या होता है दमन और एक क्या होता है उदात्तीकरण। तो आपको क्या याद रखना है, किसी और के द्वारा दबाना तो क्या कहलाएगा दमन, और स्वयं की इच्छाओं को स्वयं के द्वारा दबा लेना तो क्या कहलाएगा उदात्तीकरण। कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको डराता है धमकाता है, किसी के डर से अगर आप किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हो तो आपका क्या हो रहा है दमन हो रहा है। परंतु आप अगर स्वयं के भय की वजह से अपनी इच्छाओं को भावनाओं को आवश्यकताओं को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो उदात्तीकरण, क्या कर रहे हो उदात्तीकरण। जिसे अपन बोलते ना छिप छिप कर रोना, आंसू पी कर रह जाना, जोर का घूंट पीना, ठीक है, ये सारे उदाहरण किसके होंगे उदात्तीकरण के। और शानदार वाला प्रश्न आपके क्या बनता है, देखिए इस प्रश्न में कहां किस तरह से मोड़ आता है। एक बालिका जिसे क्रोध आने पर वो भागकर कमरे में जाती है, जोर से दरवाजा बंद करती है, अंदर जाकर रोना प्रारंभ कर देती है। कोई दरवाजा खुलवाता है, दरवाजा खोलने से पहले वह मुंह धो लेती है। अब देखो जब जैसे बात आई सबसे पहली क्या बात आई कि बालिका को क्रोध आने पर भागकर कमरे में जाती है, जोर से दरवाजा बंद करती है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि यार ये तो दरवाजे के ऊपर गुस्सा निकाल रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा विस्थापन। परंतु ऐसा नहीं हुआ, फिर आगे गए वो आगे आंसर फिर वापस उसने क्या दिया कि अंदर जाकर रोने लग जाती है, तो आपका मन कहाँ गया होगा कि प्रतिगमन कर रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर आगे जाकर उसने कहा कि जब दरवाजा खोलती है उससे पहले वो मुंह धो लेती है, मतलब अपने आंसुओं को छिपा लेती है। तो बालिका क्या कर रही है उदात्तीकरण, अपने गमों को छुपा लेना क्या कहलाएगा उदात्तीकरण, ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया वाला जो प्रश्न आपके सामने आता है वह क्या है कि एक अध्यापक से कक्षा में विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछते हैं, इस कारण अध्यापक तनाव महसूस करता है। मार साहब इसलिए तनाव महसूस करते हैं कि उनको डर लगता है कि क्या पता आए नहीं आए। तो अध्यापक जी द्वारा विद्यार्थी को डांट दिया जाता है, क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। आप देखो बात क्या, उदात्तीकरण में बालिका ने खुद ने अपने गम को छुपाया, और यहां पर बालक को विद्यार्थी को कौन डरा रहा है अध्यापक। तो हमेशा ऐसी परिस्थिति में क्या आ जाएगा दमन। एक और इसका शानदार उदाहरण आपके सामने होगा वह क्या, एक विकलांग बालक जिसे कक्षा के सभी विद्यार्थी विकलांग कहकर चिढ़ाते हैं, एक दिन मौका देखकर एक बालक को कमरे में बंद करके छड़ी से उसकी धुनाई कर देता है। तो विकलांग बालक ने तनाव से मुक्ति का कौन सा तरीका अपनाया दमन। फिर वापस शब्द क्या आता है दिवा स्वप्न, क्या आता है दिवा स्वप्न। तो क्या याद रखोगे अप्राप्त वस्तु की काल्पनिक प्राप्ति, क्या याद रखोगे अप्राप्त वस्तु की काल्पनिक प्राप्ति क्या कहलाएगा दिवा स्वप्न। जैसे क्या, एक बालक जो कि परीक्षा देने नहीं जाता है, एक बालक जो कि परीक्षा देने नहीं जाता है, परंतु उसके मित्र के प्रश्न पत्र को देखकर कहता है कि अगर मैंने पेपर दिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। पेपर देने नहीं गया, अपने मित्र के पेपर को देखकर कह रहा है कि पेपर इतना आसान है, अगर मैंने दिया होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। क्या कर रहा है वो, केवल पूरी कल्पना कर रहा है, सपने देख रहा है, क्या कर रहा है दिवा स्वप्न। एक शब्द क्या आता है तार्किक, आजकल बहुत प्रचलन में रहा है ये प्रश्न, कौन सा तार्किकरण, बार बार प्रश्न देता है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष उपाय है। प्रश्न आपको क्या पूछा जाता है, तनाव से मुक्ति की प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन में उसने क्या क्या दे दिया, तार्किकरण, दिवा स्वप्न, उदात्तीकरण, क्षतिपूर्ति। तो इन सब में से आंसर सबसे पहले क्या आएगा तार्किकरण। तार्किकरण का एक शब्द में आप आंसर याद रखिएगा, बातचीत करके समस्या का समाधान करना। अपन कहते हैं ना बात करने से बात बनती है, वो शब्द क्या है तार्किकरण। देखो तनाव का कारण है संदेह, डाउट हो जाता है किसी भी बात को लेकर, और वो डाउट बढ़ता ही जाता है, वो बढ़ता जाता है और अपन अपने मन में रखते रहते हैं और क्या हुआ, ठीक है ना। और आप जितना ज़्यादा मन में रखेंगे तो तनाव बढ़ता जाएगा।
तो सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि जिस कारण से तनाव पैदा हुआ है, ठीक है, उसके संदर्भ में बातचीत कर लें। संदेह जो पैदा हुआ है उसके संदर्भ में क्या कर लें, बातचीत कर लें। तो बातचीत करके समस्या का समाधान करना क्या कहलाएगा, तार्किकरण। ठीक है, और भी कई आपके पारिभाषिक शब्दावली संबंधी जो प्रश्न बनते हैं, ये मैंने आपके जहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, ठीक है, उसके संदर्भ में अपन अभी बातचीत कर रहे थे। और भी आपके जो शब्द होते हैं, ठीक है, देखिएगा छोटे छोटे शब्दों में से आपके किस तरह से प्रश्न और बनकर आते हैं। एक प्रश्न होता है आपका क्या, क्या लिखा है, स्मरण। अब देखो, आप हर शब्द को विषय को पढ़ने के लिए अगर एक ही शब्द को पढ़ोगे, इसका मतलब सीमित ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। प्रतियोगिता पास करने के लिए आपको सीमित ज्ञान नहीं, व्यापक ज्ञान चाहिए आपका। अगर उसका विश्लेषणात्मक अगर अध्ययन करोगे तो सिलेक्शन का आधार तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसका आधार, जैसे आपके सामने शब्द आया क्या, स्मरण, तो आपके दिमाग में एक शब्द वापस आ जाना चाहिए, विस्मरण। क्योंकि स्मरण और विस्मरण एक दूसरे के पूरक, स्मृति में वृद्धि होगी तो विस्मरण कम हो जाएगा, और विस्मरण अगर बढ़ेगा तो स्मृति में वृद्धि हो जाएगी। फिर आपके पास तुरंत एक प्रश्न जाना चाहिए क्या कि सर ऐसा क्यों होता है, तो सीधा आंसर आता है समयांतराल। क्या आंसर आता है, समयांतराल। धारण की गई विषय वस्तु और उसकी पुनरावृत्ति में जितना ज्यादा समयांतराल होगा, पुनरावृत्ति का मतलब होता है अभ्यास, और थंडाई क्या कहता है, अभ्यास के माध्यम से अधिगम स्थायी होता है। क्या बोलता है, अभ्यास के माध्यम से अधिगम स्थायी। देखो दो बातें हो गई, अभ्यास के माध्यम से अधिगम स्थायी होता है तो कौन कहेगा, थंडाई, और अनुभव के माध्यम से ज्ञान स्थायी होता है तो आपका ध्यान जाना चाहिए जॉन डीवी। फिर आंसर, अनुभव के माध्यम से ज्ञान स्थायी होता है तो आपका सीधा ध्यान किसके पास जाना चाहिए, जॉन डीवी। और अभ्यास के माध्यम से अधिगम स्थायी होता है तो आपका ध्यान किसके पास जाना चाहिए, थंडाई। और यहां पर उसी के संदर्भ में अपन बातचीत करते हैं। एक तो शब्द आपका क्या होता है, स्मरण, और एक क्या शब्द होता है, विस्मरण। एक तो शब्द आपका क्या है, स्मरण, और एक शब्द क्या है, विस्मरण। तो जैसे बात आती है स्मरण, तुझे मैंने पूछा कि स्मरण क्या है, तो आपके दिमाग में याद, क्या है याद, कोई कहते हैं मेमोरी, क्या मेमोरी, अरे पर ये होता क्या है अपने, मैंने आपको बोला ना कि पारिभाषिक शब्दावली, जब तक उसका आप डीपली ज्ञान नहीं लोगे तब तक मनोविज्ञान के प्रति आपकी विभ्रांति रहेगी। क्या रहेगी कि सर इसके प्रश्न ही समझ में नहीं आते हैं। प्रश्न इसलिए समझ में नहीं आए क्योंकि अपन ने क्या किया, अधूरा ज्ञान प्राप्त किया। अगर उसे व्यापक रूप से एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित मानिएगा कि 3 वीडियो आप अगर मेरे पूरे अगर सुनने में सफल हो गए तो आप लोगों को मनोविज्ञान पढ़ने की, शिक्षण विधियां पढ़ने की इच्छा स्वतः ही पैदा हो जाएगी, और शिक्षक बनने में आपकी कोई बाधा पैदा नहीं होगी। ठीक है, मैं वास्तविक बात पर बातचीत कर रहा हूं। तो जब अपन बात करते हैं कि इसके बारे में स्मरण, तो देखो याद व्याद मत रखो, क्या कहेंगे, स्मरण पूर्व में धारण की गई विषय वस्तु को वर्तमान चेतनता में लाकर उसका उपयोग करने की जो मानसिक योग्यता है। क्या बोला मैंने, पूर्व में धारण की गई विषय वस्तु को वर्तमान चेतनता में लाकर उसका उपयोग करने की जो मानसिक योग्यता है वह क्या है, स्मरण है। अपन ने कल पढ़ा और आज प्रश्न पूछा और आपने उसका उत्तर दे दिया, इसका मतलब यह क्या है, स्मरण है। और धारण की गई विषय वस्तु को वर्तमान चेतनता में लाकर उपयोग करने में असफलता क्या हो जाएगा, विस्मरण। अब बात कहां आती है कि जब तक अधिगम नहीं होगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तो स्मृति में आने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, और अधिगम तभी होगा जब अवधान होगा। मैंने आपको सबसे पहले आते से ही बोर्ड पर इसी शब्द को लिखा था, वह कौन सा शब्द था, अवधान। अवधान का मतलब ध्यान। प्रश्न ये तो पूछता है, स्मरण बाधित होता है किस स्थिति में, जब अवधान की कमी, अवधान की कमी है तो स्मरण क्या होगा, बाधित होगा। और स्मरण प्रभावी होता है तो किसके कारण, अवधान की प्रबलता के कारण। मैंने आपको पहले बता दिया अवधान का मतलब क्या था, ध्यान। क्या है, ध्यान। क्या कहा, एकाग्रता,
वह मानसिक स्थिति जिसके कारण विषय वस्तु मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से विचरण करती है उसे क्या बोलेंगे? अवधान। ठीक है, तो यहां पर अपन बात क्या कर रहे थे? स्मरण की। और एक बात क्या हो गई? विस्मरण, याद करने में, विषय वस्तु को धारण करने में, या अपन कहें कि उसका उपयोग करने में असफलता क्या कहलाएगी? विस्मरण। और फिर सेकंड बात मैंने क्या बोली कि इनमें पूरक संबंध है। स्मृति अगर बढ़ती है तो विस्मरण कम हो जाएगा, और विस्मरण अगर बढ़ता है तो स्मरण कम हो जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, फिर वापस और छोटे छोटे शब्दों पर अपन विचार विमर्श करते हैं। अब देखो आपको दिक्कत कहां पैदा होती है, शब्द आपके पास में ये लिखा है, क्या लिखा है? उद्दीपन। और एक शब्द आपके सामने ये लिखा है उद्दीपक। मनोविज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली अगर क्लियर हो गई तो नंबर आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ फकरलोजी में कि 30 में से 30 आएंगे, 9 घंटे मेरा वीडियो सुन लो 29 नंबर आ जाएंगे। अरे आ जाते तो तेरा ही सिलेक्शन हो जाता भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नंबर आएंगे अगर आप पूरे मेरे वीडियो, अगर 45 से 50 वीडियो अगर आपने सुने तो आपके 30 में से 25 26 27 नंबर आए। हो सकता है 29 भी आ जाए, 30 भी आ जाए, ठीक है ना, पर 25 से 27 तो आपके आएंगे। पर उसके लिए आपको एक एक चीज पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अब देखो बात क्या? उद्दीपन। और एक शब्द क्या? उद्दीपक। एक लाइन बोलूंगा उससे आपका यह आंसर दोनों क्लियर हो जाए। सुनिएगा, किसी भी घटक के प्रभाव से व्यवहार में परिवर्तन। क्या? किसी भी घटक के प्रभाव से व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? उद्दीपन। किसी ने ओलपिन चुबाई, चुबन महसूस हुई और उससे हाथ हटाया, चुबन का महसूस होना मतलब व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। व्यवहार में परिवर्तन आया, क्या? उद्दीपन। और वो जो ओलपिन है जिस घटक के प्रभाव से व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो उद्दीपक है। बदबूदार स्थान पर जाते ही नाक का सिकुड़ जाना, नाक क्या कर रही है? सिकुड़ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? उद्दीपन। और किसके कारण? बदबू के कारण। तो बदबू किसका काम कर रही है? उद्दीपक का। समोसे की सुगंध आते नाक का फैल जाना तो क्या कहलाएगा? उद्दीपन। और वो समोसे की जो सुगंध है वह क्या है? उद्दीपक। इन दोनों चीजों को आप क्लियर कर लोगे आपके सब आंसरों के, सभी क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे। क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया अपन पढ़ते हैं पावलव, पावलव में भी उद्दीपन भी है उद्दीपक भी है। सबसे खतरनाक तो यहां पर बात आती है आपके दोनों प्रश्न आपको बहुत भ्रमित करके डाल देते हैं। ठीक है, एक तो क्या अनुक्रिया उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत, एक तो क्या अनुक्रिया उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत, और एक क्या उद्दीपन। आप लोगों ने जो मैंने कहा था ना सेकंड प्रॉब्लम आपकी जो बताई थी कि सिद्धांतों में दिक्कत आ रही है पूरे राजस्थान को आ रही है, इसके पीछे कारण है अपना अधूरा ज्ञान। महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा था कौन? अभिमन्यु। क्या वो तो मर गया था? अरे वो मर गया था इसलिए मर गया था अधूरे ज्ञान की वजह से, उसे चक्रव्यूह में अंदर जाने का तरीका पता था, बाहर आने का नहीं था। आज वर्तमान में जितने भी प्रतियोगी हैं वो सब अभिमन्यु हैं। और वो बच्चा अभिमन्यु अधूरा ज्ञान प्राप्त कर रहा था किसे? उसके गुरु से। अगर उसका गुरु से बाहर आने का तरीका सिखा देता तो वो जितने भी धुरंधर थे सबको एक दिन में निपटा देता। और आज के आपके जितने भी प्रतियोगी हैं वो सब अभिमन्यु हैं और वो सब अधूरा ज्ञान लेकर चल रहे हैं। तो वो जो रीट रूपी जो आपका चक्रव्यूह है अगर अधूरा ज्ञान प्राप्त करोगे तो सब उसके अंदर मर जाओगे, और पूरा ज्ञान अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप अर्जुन बन जाओगे। तो आपको अर्जुन बनना है अभिमन्यु नहीं बनना है। तो अब देखिएगा आप अनुक्रिया उद्दीपन, और ये क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया। यहां पर पहले कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है उसके बाद में उद्दीपन उत्पन्न हो रहा है, और यहां पर पहले उद्दीपन है उसके बाद में अनुक्रिया है। तो दो शब्द है आपके पास, एक तो क्या
आरएस थ्योरी और एक क्या है एसआर थ्योरी। अब आपकी गाइडों में ये दोनों चीज़ें उल्टी सीधी लिखी हुई है, एक जगह एसआर थ्योरी तो लिख रखा है स्किनर का और आरएस थ्योरी लिख रखा है थंडाई का। आपको याद क्या रखना है, आरएस का मतलब होता है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब क्या है अनुक्रिया, और एस स्टाइमुलस, स्टाइमुलस का मतलब क्या होता है उद्दीपन। तो आरएस थ्योरी अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत जो कि किसके द्वारा दिया गया, स्किनर द्वारा, जिसे अपन क्या बोलते हैं सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, क्या बोलते हैं सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। और एक क्या एसआर थ्योरी स्टाइमुलस और फिर रेस्पॉन्स मतलब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो कि आपको कौन देता है थंडाइक। ठीक है, जब बात आती है अनुक्रिया उद्दीपन और उद्दीपन अनुक्रिया, अभी अपन बात समझ रहे थे पारिभाषिक शब्दावली कौन सी समझ रहे थे उद्दीपन और उद्दीपक। तो अब आपको क्या याद रखना है, किसी घटक के प्रभाव से व्यवहार में परिवर्तन उद्दीपन और जिस घटक के प्रभाव से परिवर्तन हुआ है वह घटक क्या कहलाएगा उद्दीपक। अभी मैं बोल रहा हूं और आप पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हो, आपकी पढ़ने की इच्छा पैदा हो रही है कि हाँ यार पढ़ेंगे। ठीक है, तो वह जो इच्छा पैदा हो रही है वह तो आपके एक तरह से क्या हो गया उद्दीपन, और उद्दीपक कौन हो गया मैं स्वयं, मैं क्या बन गया आपके लिए उद्दीपक। कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका होती है, तो कक्षा कक्ष में देखो अपने आप जो पढ़ते हो ना, थंडाई का नाम याद कर लिया, पावलोव का नाम याद कर लिया, कल्ट लेविन का नाम याद कर लिया, अल्बर्ट बंडूरा का नाम याद कर लिया, मैकडुगल कहाँ पैदा हुआ था, उसका सन क्या था, क्रो एंड क्रो एक है दो है, उसे कोई लेना देना नहीं। इंपॉर्टेंस इस चीज का है कि अप्लाइड क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि क्या पढ़ाना है, आपको ये देखना है कि कैसे पढ़ाना है, क्योंकि आप लोग टीचर बनने वाले हो, वो टीचर को ये ध्यान देना पड़ता है कि पढ़ाना कैसे। और अपना प्रश्न यही तो आता है, जैसे बात आ जाती है निर्मितवाद, वो निर्मितवाद की बात आती है सबसे बढ़िया वाला प्रश्न बनता है। निर्मितवादियों के अनुसार कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका होती है प्रेरक के रूप में, किसके रूप में होती है प्रेरक के रूप में, ड्राइव चालक जिसे अपन क्या बोलेंगे उद्दीपक। तो अध्यापक की भूमिका किस रूप में हो गई उद्दीपक के रूप में। ठीक है, और विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो वह क्या कहलाएगा उद्दीपन, क्या कहलाएगा उद्दीपन। ठीक है, आगे और अपन बातचीत करते हैं। और आपके पास में शब्द एक सीधा सा शब्द मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिखा है बुद्धि। बुद्धि कोई ज़्यादा धांसू टॉपिक नहीं है, इसमें अपने को 10-12 परिभाषाएं याद करनी है। बुद्धि के तीन प्रकार जो कि कौन बताता है थंडाइक, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि व्यवहार कौशल, मूर्त बुद्धि जो दिखाई दे रहा है उसे देखना और फिर उसके बारे में सोचना, उसके बारे में विचार बनाना, क्या है मूर्त बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि, यहाँ से आपका प्रश्न आता है, प्रश्न आपका क्या बनता है उस वस्तु के बारे में सोचना जो है नहीं परंतु है, उस वस्तु के बारे में सोचना जो है नहीं परंतु है, भावार्थ क्या यहां नहीं है परंतु कहीं तो है, जिसको आपने पहले देखा जो भी यहां नहीं है लेकिन उसके बारे में सोचना, किसकी देन अमूर्त बुद्धि की देन, किसकी देन अमूर्त बुद्धि। सीधा प्रश्न पूछा उसने, एक चित्रकार की बुद्धि का प्रकार कौन सा होता है, तो चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्र सामने रखकर बनाता है या सामने नहीं है केवल उसकी विचारधारा है, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा सर, वो तो अपने मन में सोचता है, इमेज बनाता है उसकी। ठीक है, कहां पर मस्तिष्क में जो दिखाई देती है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन फिर उसको क्या करता है वो मूर्त रूप देता है, मतलब चित्रकार शिल्पकार की बुद्धि का एक व्याख्याता व्याख्यान के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाता है। बुद्धि का कौन सा प्रकार काम करेगा अमूर्त बुद्धि, कौन सी बुद्धि काम करेगी अमूर्त बुद्धि। तो आपको केवल इतना याद रखना है जो वस्तु सामने नहीं है उसके बारे में सोचना किसका काम अमूर्त बुद्धि, शब्दों के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करने की कला किसकी देन है अमूर्त बुद्धि, क्योंकि विचार कभी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात इसके अंदर आती है कि बुद्धि क्या है, एक शब्द में आपको याद रखना है, एक पंक्ति में याद रखना है, सोचने समझने तर्क करने निर्णय लेने उपयोगी अनुपयोगी का चुनाव करने की योग्यता बुद्धि है, ताकि व्यक्ति वातावरण की परिस्थितियों का शिकार नहीं बने।
वह मानसिक योग्यता जो वातावरण की परिस्थितियों का शिकार बनने से रोकती है उसे कहते हैं क्या? बुद्धि। क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब निर्णय लेने के लिए आपको तैयार करेगी कौन? करेगी बुद्धि। इसमें बुद्धि के तहत अपन आपके कई प्रकार की चीज़ों पर बातचीत करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत है और सबसे खतरनाक चीज़ इसके अंदर आपके क्या आ जाती है? जीन प्याची। ये एक ऐसा आदमी है जो अकेला पूरे पेपर को निपटा सकता है। 2011 आरटीएट के एग्जाम में 30 में से 11 क्वेश्चन इसके अकेले के आ गए। जीन प्याजी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसे अपन बोलते हैं मानसिक विकास का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं बौद्धिक विकास का सिद्धांत, सीधा प्रश्न बनता है क्या? देखो इसमें जीन प्याजी ने मानसिक विकास का कितने चरणों में अध्ययन किया? तो क्या आंसर आता है आपका? चार। क्या आंसर आ जाता है? चार। ठीक है, कौन कौन सी? संवेदी पेशी विकास अवस्था, प्राक संक्रिया अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था और औपचारिक क्रिया अवस्था। कितनी हो गई? चार अवस्थाएं। इनके बारे में अपन डिटेल से जब बात करेंगे बुद्धि पर, वहां पर आपसे बात करेंगे। लेकिन एक इसका खतरनाक शब्द जिसको बताने के लिए मैंने बुद्धि को छेड़ा है वह यह शब्द। ये शब्द आते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एग्जाम दे रखे हैं उनके दिमाग में आ जाता है, हाँ यार ये शब्द हमेशा परेशान करके रखता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, इस्कीमा शब्द जीन प्याजे की देन। इस्कीमा शब्द का प्रयोग कौन करता है? जीन प्याजे। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये इस्कीमा क्या है? तो इस्कीमा को पढ़ने के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मानसिक संरचना। क्या पढ़ना पड़ेगा? मानसिक संरचना। तो कि सर मानसिक संरचना क्या है? तो अब अपन क्या कहेंगे, जब बच्चा आसपास के वातावरण में कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है और अनुक्रियाएं करता है तो वो जो आसपास गतिविधियां देख रहा है, ठीक है, उनको जानने के लिए उसके मस्तिष्क में कई प्रकार के उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? मानसिक संरचना। और जब वो मानसिक संरचना व्यवहार में बदल जाती है, अब आपको याद रखना है मानसिक संरचनाओं के व्यवहारगत परिवर्तन की क्रिया। प्रश्न अपना ये बनता है, मानसिक संरचनाओं के व्यवहारगत परिवर्तन की क्रिया को क्या कहेंगे? स्कीमा। क्या कहेंगे? स्कीमा। आप देखो वापस प्रश्न उसने आपको क्या दिया, दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से कठिन शब्दों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया, जो आपके शिक्षण विधियों में हिंदी में भी काम आएगी और साइकोलॉजी में भी काम आएगा। अब यहां पर इसने यह कहा कि मानसिक जो संरचनाएं बनती है वो तीन तत्व उसमें योगदान देते हैं, यह अपना प्रश्न आता है। मानसिक संरचनाओं के निर्माण के लिए कितने तत्वों की मुख्य भूमिका होती है? तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? तीन तत्व। तो तीन तत्व कौन कौन से? पहला आत्मीकरण, सेकंड अनुकूलन जिसे अपन कह सकते हैं समायोजन, और एक क्या? समानीकरण। क्या जाएगा? समानीकरण। अब जैसे मैंने समानीकरण शब्द लिखा और लास्ट 2018 रीट का पेपर किसी ने दिया होगा, एक दो नंबर से अगर उसका सिलेक्शन रुक गया होगा तो सीधा उसका यहां जो हमारी लास्ट बार आया था लेवल वन में हमारा गलत हो गया था। अगर मेरे को सुन लिया होता लास्ट बार तभी आपकी 3 साल की नौकरी हो जाती, पर लपड़ा पड़ गया नहीं सुना मैं बोला ही नहीं। तो अब देखिएगा जैसे बात आती है मानसिक संरचना, मानसिक संरचनाओं के निर्माण के लिए कितने तत्वों की जरूरत होती है? तीन तत्व। और मानसिक संरचनाओं के व्यवहारगत परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? स्कीमा। ये सारे शब्द जीन पियाजे के शब्द कोश से लिए। स्कीमा शब्द का प्रयोग जीन पियाजे करता है, ठीक है, प्रणोदन शब्द का प्रयोग क्लार्क हल। देखो काफी सारी मैंने बोला ना आपको कि मनोविज्ञान की अगर शब्दावली आपको पारिभाषिक शब्दावली समझ में आ गई, आप मनोविज्ञान को बहुत आसानी से जियोगे। आपके जिनकी इच्छा नहीं है पढ़ने की उनकी इच्छा भी पैदा हो जाएगी, परंतु इसके लिए आपको मेरे 3 वीडियो सुनने पड़ेंगे ध्यान लगाकर चेतन अवस्था में। ठीक है, देखो स्कीमा शब्द का प्रयोग करता है कौन? जीन पियाजे। प्रणोदन शब्द का प्रयोग करता है क्लार्क हल, जिसने सिद्धांत दिया है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। अधिगम में आपके जो साहचर्यवादी है, साहचर्यवादियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आ जाता है किसका? क्लार्क हल का, जिसका सिद्धांत है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, जिसे अपन बोलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत।
अब तो याद आ गया होगा, ठीक है। पुनर्बलन के सिद्धांत के अंतर्गत ये किसका किस पर बल देता है? प्रणोदन शब्द पर। कौन से शब्द पर बल देता है? प्रणोदन शब्द पर। तो सर प्रणोदन होता क्या है? तो क्या कहोगे? शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न व्यवहार। क्या कहोगे? शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न व्यवहार को क्या कहेंगे? प्रणोदन, ठीक है। अभी अपन बात करें, फिर वापस एक और शब्द आ जाता है, क्या? विमा। तो ये तो अपने आप में प्रश्न। विमा शब्द जैसे आता है तो आपका सीधा ध्यान चला जाना चाहिए किसके पास? गिलफर्ड के पास। किसके पास? गिलफर्ड के साथ त्रिविमीय प्रारूप। क्या? त्रिविमीय प्रारूप, या क्या कहेंगे? त्रिआयामी सिद्धांत, या बुद्धि का संरचना सिद्धांत, या SOI मॉडल। क्या कहेंगे? SOI मॉडल, ठीक है, जो कि कौन देता है? गिलफर्ड। और आप जानते हो सब ये आपका प्रश्न। गिलफर्ड ने बुद्धि की मानसिक योग्यताएं कितनी बताई? 120। ऑप्शन में 120 नहीं है तो कितना होगा? 150। दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर दोनों एक साथ आएंगे तो टेंशन मत लेना। क्यों मत लेना? फिर बोनस मिल जाएगा। 120 भी सही है, 150 भी सही है, ठीक है। अभी अपन बात कर रहे थे प्रणोदन शब्द का प्रयोग कौन करता है? क्लार्कल। प्रणोदन शब्द का प्रयोग कौन करता है? क्लार्कल। विमा शब्द का प्रयोग आपके लिए कौन कर रहा है? गिलफर्ड। स्कीमा शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जीन पियाजे। किसके द्वारा किया गया? जीन पियाजे द्वारा। अभी मैंने आप लोगों से प्रश्न ये दिया था, आपको प्रश्न ये दिया गया था कि दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या बोलेंगे? आत्मीकरण। क्या बोलेंगे उसको? आत्मीकरण। ये अपन आगे जाकर जब शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत आपके व्यू रचना आती है, प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के तहत अपने तीन प्रकार का शिक्षण होता है, एक तो स्मृति स्तर का, बोध स्तर का और चिंतन स्तर का। स्मृति स्तर का दैनिक पाठ योजना प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है हर्बर्ट द्वारा। किसके द्वारा? हर्बर्ट द्वारा, ठीक है, जिसने दैनिक पाठ योजना प्रारूप के 5 सोपान बताए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हर्बर्ट की पंचपदी। क्या नाम देते हैं? हर्बर्ट की पंचपदी। एक और होता है आपका बोध स्तर। बोध स्तर का प्रारूप देता है मॉरिसन। कौन देता है? मॉरिसन। उसने आपके भाषा शिक्षण के तहत 5 प्रकार के सोपान बताए, जिसमें एक सोपान का प्रयोग किया है कौन से शब्द का? आत्मीकरण शब्द का। भाषा शिक्षण के तहत कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या अर्थ बोध करवाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है? आत्मीकरण शब्द का, ठीक है। लेवल 1 के स्टूडेंट तो इस अनुकूलन शब्द को अपने दिमाग में गिठान बना के डाल दो, क्योंकि प्रश्न आपको क्या देगा? पर्यावरण में, साइकोलॉजी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, है ना, ये पर्यावरण में प्रश्न आएगा। पर्यावरण में प्रश्न क्या आएगा? जीवमान अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परिस्थिति के आधार पर स्वयं में परिवर्तन करके समायोजन स्थापित करते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन। परिस्थितियों के आधार पर स्वयं में परिवर्तन करके अपने अस्तित्व को बनाए रखना क्या कहलाएगा? अनुकूलन। या वो सीधा उदाहरण दे देता है क्या कि सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े पहनना, बारिश के दिनों में छाता निकाल लेना और गर्मी के दिनों में बारीक कपड़े पहनना, ठीक है, यह परिस्थिति की तंत्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुकूलन का। तो आपको सीधा प्रश्न क्या बनता है कि परिस्थितियों के आधार पर स्वयं में परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? अनुकूलन। मानसिक संरचना के निर्माण के लिए पहला कौन सा? आत्मीकरण। सेकंड कौन सा? अनुकूलन। अब क्या लिखा है? समानीकरण। समानीकरण का मतलब है अपने समान करना, ऐसा नहीं है। समानीकरण से अभिप्राय यह होगा कि समान तो करो लेकिन दूसरा अन्य घटक प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या याद रखोगे? एक से अधिक पहलुओं में इस प्रकार समानता स्थापित करना कि अन्य पहलू अप्रभावित रहे। एक से अधिक पहलुओं में इस प्रकार से समानता स्थापित करना कि अन्य पहलू अप्रभावित रहे, इस प्रक्रिया को अपन ने क्या बोला? समानीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। यह आपका आंसर क्लियर, ठीक है। मानसिक संरचनाओं के निर्माण के लिए कितने तत्वों का योगदान? आंसर क्या होगा? 3 तत्व। कौन कौन से होंगे? आत्मीकरण, अनुकूलन और समानीकरण। अब प्रश्न आपको अगला उसने क्या दिया? निम्न में से शिक्षा जगत को जीन पियाजे की देन नहीं है। प्रश्न क्या है आपका? शिक्षा जगत को जीन पियाजे की देन नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन में उसने डाल दिया आत्मीकरण,
अनुकूलन, स्कीमा और एक शब्द क्या डाल दिया, प्रणोदन। तो आप क्या बाहर निकाल दोगे, प्रणोदन। मैं आपकी दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान कर रहा हूं, पारिभाषिक शब्दावली आपको बताई जा रही है, ठीक है, और साथ के साथ में प्रश्न की प्रकृति क्या होगी, प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, और भी नेक्स्ट वीडियो जब होगा उसमें मैं आपको प्रश्न की भाषा के बारे में बातचीत करूंगा कि आपके प्रश्न की भाषा क्या है, चार विकल्पों में से चार के चार विकल्प आपको क्यों सही लग रहे हैं, उसकी वजह है क्या, वजह है उस पर अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो एक प्रश्न आपका बढ़िया बना, नेट के एग्जाम का प्रश्न था, वह क्या था, अपन प्रश्नों पर बात करते हो, आप तो क्या समझते हो, वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब बहुविकल्पी, ऐसा नहीं है, वस्तुनिष्ठता प्रश्न का गुण है, वस्तुनिष्ठता क्या है, प्रश्न का गुण है। बहुविकल्पी का मतलब एक से ज्यादा विकल्प, जो आपका रीट का एग्जाम होगा, सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा, पटवारी ग्राम सेवक का एग्जाम होगा, जिसके अंतर्गत चार विकल्प है, तीन विकल्प है, दो विकल्प है, वो बहुविकल्पी है, ना कि अपने कहेंगे वस्तुनिष्ठ, ऐसा नहीं है, वो उसका गुण है। अब देखो पहला प्रश्न क्या बना, वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय है, तो आपका सीधा सटीक एक आंसर आना चाहिए, वस्तुनिष्ठ से अभिप्राय है एक प्रश्न का एक उत्तर होना, आपका क्या आंसर आएगा, एक प्रश्न का एक उत्तर होना, तो आपका क्या होगा, वस्तुनिष्ठता, और एक से ज्यादा विकल्प होना क्या होगा, बहुविकल्पी, क्या हो जाएगा, बहुविकल्पी। प्रश्न उसने आपसे यही पूछा, बहुविकल्पी प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, आपका प्रश्न क्या आया, देखो विषय वस्तु पढ़ाना आसान है, कोई भी पढ़ा देगा, कोई दिक्कत बात नहीं, परंतु अपने को प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के लिए महत्व इस चीज का है कि प्रश्न क्या बनेगा। अब टीचर से बच्चों ने पूछा कि प्रश्न क्या बनेगा, टीचर ने मेरे को क्या पता क्या बनेगा, आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है, तो आप भी आ जाओ इधर, प्रश्न हमें पता होना चाहिए कि यहां से प्रश्न ये निकल कर आएगा, और एग्जाम में वो प्रश्न अगर बनता है तो सिलेक्शन के चांस बनते हैं, और आपका ये प्रश्न आपका सीधा बनता है बहुविकल्पी प्रश्न पूछने का उद्देश्य। आप देखो उसने ऑप्शन क्या दिए, ए विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, बी अधिगम का ज्ञान प्राप्त करना, सी एकाग्रता का पता लगाना, और डी निर्णय लेने की क्षमता का पता लगाना। तो आपका सही आंसर क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता का पता लगाना, क्योंकि चार में से एक का चुनाव करना है, और आप जानते हो अपने दिमाग में ये चलता है कि ये सही है या सी सही है, और अपन निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि मन के तीन भाग होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इड तो गलत के लिए कहेगा, सुपर ईगो कहता है सही के लिए, फिर अपने मन में चलता रहता है यार ये सही होगा, ये सही होगा, नहीं ये तो नहीं, ये सही होगा, ये लगा दूं, ये लगा दूं, है ना, ये इड और ईगो में द्वंद चल रहा है। अब अगर इड प्रभावी है तो ईगो पर नियंत्रण कर लेगा क्या, यदि ईगो प्रभावी है तो इड पर नियंत्रण कर लेगा, और ईड अगर प्रभावी है तो ईगो की नहीं सुनेगा, वो ईड पशु प्रवृत्ति का है, और अगर आपका नकारात्मक अभिवृत्ति अगर प्रबल है तो आप गलत आंसर लगाओगे, मतलब ईड की प्रबलता, और अगर आप सही आंसर की ओर जा रहे हो इसका मतलब ईगो की प्रबलता। प्रश्न क्या बना वो सुनिएगा, व्यक्ति की नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है, यह प्रश्न आपका आ गया, व्यक्ति की नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है इड के प्रभाव से, ईगो के प्रभाव से, सुपर ईगो के प्रभाव से, या लिबिडो के प्रभाव से। अब देखो दिक्कत यहां तो पैदा होती है, यह को नया शब्द आ गया लिबिडो के प्रभाव से, तो अब आपके दिमाग फिर वापस यार क्या लगावे। तो देखो नकारात्मक, मैं सीधे शब्द में बात करता हूं आपसे, गलत काम जितने भी किए जाते हैं वो ईड के कारण किए जाते हैं, और नकारात्मक अभिवृत्ति मतलब गलत काम कर रहा है मतलब ईड। तालमेल स्थापित करेगा तो कौन आ जाएगा, ईगो, कौन आएगा, ईगो, ठीक है। नकारात्मक अभिवृत्ति गलत आंसर दे रहे हो मतलब इड के प्रभाव के कारण। अब प्रश्न उसने क्या दिया, व्यक्ति के गलत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब आपका फटाक से आंसर आ जाएगा क्योंकि आपको पता है सर ने बोल रखा है, क्या बोल रखा है, गलत काम कर रहे हैं मतलब किसके प्रभाव के कारण, ईड के प्रभाव के कारण। जब ईड ईगो पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है, ईड ईगो पर हावी हो जाता है व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है, असामाजिक कार्य करता है, जिससे उसे गलत व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है। किसके प्रभाव के कारण, ईड के प्रभाव के कारण अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, तो इसका मतलब व्यक्ति में कौन सा प्रभावी है, ईगो उसका
प्रभावी है। अब जाते जाते मैं एक शब्द और यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आपके दिमाग में चलता रहेगा कि और ये क्या था। तो देखिए, सिगमंड फ्रायर जिसने व्यक्तित्व निर्माण का मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया? मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसके तहत उसने लिबिडो के आधार पर, लैंगिक ऊर्जा के आधार पर, किसके आधार पर? लैंगिक ऊर्जा के आधार पर व्यक्तित्व का 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है। लैंगिक ऊर्जा, इसी को क्या बोलते हैं? लिबिडो। लैंगिक ऊर्जा मतलब लिबिडो। प्रश्न आपका क्या दिया? सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है किस आधार पर? लिबिडो के आधार पर। अतः समझ में, ये कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली जो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, उन पर अपने विचार विमर्श किया। इस वीडियो को अगर आप सुनते हैं तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपको अगर चाहिए कि केवल मेरे को 3 नंबर चाहिए, इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, 2 बार सुनो 3 बार सुनो, ठीक है, आपके 2 से 3 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि ज़्यादा कुछ मिले, तो आगे मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने रखे थे कि 4 बातों पर अपन विचार विमर्श करेंगे। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में सबसे पहले क्या? पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली के बारे में आज अपन ने बातचीत करी, और साथ के साथ में मैंने प्रश्नों के बारे में भी विचार किया, ठीक है। अब आपके बात आती है किसकी? परिभाषाएं। किसके बारे में बात आएगी? परिभाषाएं। परिभाषाओं के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद बातचीत की जाएगी सिद्धांतों के बारे में। मैंने आप लोगों से केवल एक बात मांगी है कि आपका निश्चित सिलेक्शन होगा मनोविज्ञान में, और शिक्षण विधियों में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप लोगों को मेरे 3 वीडियो अच्छे से आप सुनिएगा, फिर उसके बाद में व्यापक रूप से समस्त वीडियो आप सुनिएगा, ठीक है। आपके अच्छे अंक आएंगे, मेरी दुआएं आपके साथ है। धन्यवाद।